ऑप्टिमिस्ट वर्ड जो है ये नाउन है, लॉजिकल वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है। देखो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन प्रोनाउन को रेफर करने के लिए लिखे, मतलब जो रेफरेंस होते हैं वो नाउन होते हैं, और ऐसे वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। लॉजिकल जो है ना वो एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट है नाउन एंड अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं, अगर सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ते हैं तो अगर ऑप्टिमिस्ट नाउन है तो लॉजिकल भी नाउन होना चाहिए, ठीक है, और अगर लॉजिकल एडजेक्टिव है तो ऑप्टिमिस्ट एडजेक्टिव होना चाहिए। अब होता क्या है, ये जो ऑप्टिमिस्ट है ना, इसकी नाउन फॉर्म होती है ऑप्टिमिस्टिक, नहीं इसकी एडजेक्टिव फॉर्म होती है ऑप्टिमिस्टिक, और लॉजिकल जो है उसकी नाउन फॉर्म होती है लॉजिक। अब हम ये देखें कि वहां पे मैं क्या लिखना ठीक है, लॉजिक लिखें जो कि नाउन होता है या ऑप्टिमिस्टिक लिखें जो कि एडजेक्टिव होता है। तो ध्यान से देखोगे ना तो इन्होंने साउंडेड लिखे, नहीं लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में जो हम नाउन प्रोनाउन जो भी लिखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो और सब्जेक्ट सेम होते हैं। अब हम यहां पे देखें तो सब्जेक्ट है मेंबर्स ऑफ द कमिटी। अब मेंबर्स ऑफ द कमिटी है वो लॉजिक तो है नहीं, अगर वो लॉजिक नहीं है तो फिर इसका मतलब हम लॉजिक यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम मेंबर्स ऑफ कमिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, देखो ऐसा समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ही इज हेल्थ, अब जो इज एन ए लिंकिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है, हेल्थ जो है वो नाउन है। अब हमें पता है कि नाउन्स कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में, लेकिन जो हम लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं वो और सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये जो ही है पर्सन और ये जो हेल्थ है ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये पर्सन है, ये हमारी फिजिकल स्टेट है, तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट बना के नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाउन के बजाय एडजेक्टिव लिख देंगे, हेल्दी। तो जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को कॉम्प्लीमेंट बना के लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वो जो सब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेम होता है। अगर मान लो हम इस लॉजिकल को एडजेक्टिव से नाउन बना के लॉजिक लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक जो है और मेंबर्स ऑफ कमिटी है वो तो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, मेंबर्स को हम लॉजिक तो कह नहीं सकते। तो उसको लॉजिक लिखने के बजाय एक काम करो, यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक लिख दो। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो ऑप्टिमिस्ट नाउन की एडजेक्टिव फॉर्म होती है। अब ध्यान ये देना है, जिस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है ऑप्टिमिस्ट नाउन है, इसी तरीके से पेसिमिस्टिक एडजेक्टिव होता है पेसिमिस्ट नाउन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेयर्स गॉट कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस हैविंग प्लेड सम गुड मैचेस अब्रॉड। कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, अब देखो एक चीज समझना, ये गॉट हो गई लिंकिंग वर्ब, एक मिनट, ये हो गई लिंकिंग वर्ब, ठीक है, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, एक्सपीरियंस भी एडजेक्टिव है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद में इन दोनों एडजेक्टिव्स को अगर हम लिख रहे हैं तो ये दोनों ही एडजेक्टिव इस प्लेयर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं इसके लिए तो फिर इन्हें हमें एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, द प्लेयर्स गॉट कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, ज्यादातर के बच्चों के आंसर सही है। एक बच्चे का एक आंसर था इसमें काफी अच्छा दिया उसने, उसने कहा कि अगर हम यहां पे लिख दें कॉन्फिडेंटली, तो देखना हम कॉन्फिडेंटली लिख के भी सही कर सकते हैं। अब अगर कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस लिखोगे जो दोनों एडजेक्टिव हैं, तो हमें इन्हें एंड से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक ऑप्शन ये हो सकता है कि इनमें से एक को हम दूसरे के लिए एडवर्ब बना दें, जैसे कॉन्फिडेंट है ना, और हम इसे एडवर्ब बना के कॉन्फिडेंटली एक्सपीरियंस लिख दें, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एंड की, क्योंकि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए उसके साथ ही लिखा जाएगा, उसे कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम कॉन्फिडेंटली लिख देंगे तो भी सही जाएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंट एंड एक्सपीरियंस लिख दो, दोनों एडजेक्टिव में एंड से कनेक्ट कर दिए, दोनों ही लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सच काइंड ऑफ पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट दे वांट, मेकिंग अदर्स डू व्हाट दे वांट और गेट व्हाट दे वांट डन। सबका कमेंट पहुंच रहा भाई भीम, सबका कमेंट पहुंच रहा है, सब दिखता है मुझे, ठीक है। वो कुछ कमेंट्स जल्दी बने आ जाते हैं तो ऊपर निकल जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता, ठीक है, काफी बच्चे एक साथ में कमेंट करने लग जाते हैं ना, तो काफी कमेंट ऊपर चले जाते हैं एकदम से, मैं पढ़ नहीं पाता, बाकी दिखते सबके हैं। देखो सच काइंड ऑफ पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट दे वांट, मेकिंग अदर्स डू व्हाट दे वांट और गेट व्हाट दे वांट डन, ठीक है, इसका आंसर बताओ।
बिल्कुल बच्चे, इस गॉट की जगह बिल्कुल वॉज लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना होता है जब चेंज इन स्टेट रेफर करनी हो तो गेट वर्ब का यूज किया करो, बाकी लिंकिंग वर्ब को बी की फॉर्म बिना टेंस को चेंज किए, बिना सेंटेंस को गलत किए रिप्लेस कर सकती है। आ जाओ आंसर, तुम लोग मुझे लगता है समझ गए होगे। अब हमने लिखा सच काइंड ऑफ पीपल आर कैपेबल ऑफ, अब देखो ये जो ऑफ है ना ये प्रिपोजिशन है, इस प्रिपोजिशन के बाद हमने लिखा डूइंग व्हाट दे वांट, ठीक है, तो जो डूइंग है ना नॉन फाइनाइट वर्ब, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। व्हाट दे वांट जो है वो उस डूइंग वर्ब का जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड है उसका अपना ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये जो हमने व्हाट दे वांट क्लॉज लिखी है ना ये डूइंग का अपना ऑब्जेक्ट है। फिर हम देख रहे हैं यहां पे एक मेकिंग भी है, ये जो मेकिंग है ये भी इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस मेकिंग का जेरेंड, मेकिंग जेरेंड है और वो जेरेंड इस ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा जेरेंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनके अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ये जो हमने लिखा ना अदर्स डू व्हाट दे वांट, ठीक है, ये उस मेकिंग का अपना ऑब्जेक्ट है। अच्छा फिर हमने यहाँ पे और कंजंक्शन यूज किया, तो अगर हम यहाँ पे और कंजंक्शन यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये जो हम गेट लिख रहे हैं ना वो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑफ प्रिपोजिशन का। अब अगर तुम लोग पहले से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा जेरेंड फॉर्म लिखा करो, और नहीं मान लो हमें नहीं पता कि प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता, तो एक चीज देखो ये डूइंग जेरेंड है ये मेकिंग जेरेंड है, तो ये जो तीसरी वर्ब है इसको जेरेंड फॉर्म में लिखना पड़ेगा गेटिंग, तो इसको लिखो गेटिंग, तो ये आंसर हो गया। सच काइंड ऑफ पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग व्हाट दे वांट, मेकिंग अदर्स डू व्हाट दे वांट और गेटिंग व्हाट दे वांट डन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया आंसर है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। एक बच्चा पूछ रहा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉन्फिडेंटली एडवर्ब कैसे आ जाएगा, देखो बच्चे जो मैं कह रहा हूं कि गट के बाद जब तुम कॉन्फिडेंटली लिखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंटली जो है वो वर्ब के लिए नहीं, वो इस एक्सपीरियंस एडजेक्टिव के लिए होगा, और गट के बाद जो हम लिख रहे हैं वो एडजेक्टिव है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उस एक्सपीरियंस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हम चाहे एडवर्ब लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। टेन इलेवन इतने क्वेश्चन है क्या, ज्यादा होने चाहिए थे, है और भी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 11 आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, अब की येलो कलर चूज करता हूं। द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब दैट, एक मिनट क्या दिख गया मुझे, द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब दैट व्हाई द चेयरमैन स्किप्ड द मीटिंग, गेटिंग के जगह एंड गेटिंग नहीं होना चाहिए, एंड गेटिंग नहीं आएगा बच्चे, वो और से जोड़ रखे हैं दोनों को, और कंजंक्शन है ना, एंड क्यों लिखोगे जब और कंजंक्शन लिखा हुआ है। आंसर समझ गए मुझे लगता है तुम लोग इसका, हाँ सही है, देखो यहां पे समझना ये जो हमने लिखा है ना द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब, ये तो कलर गलत चूज कर लिया, एक मिनट, ये जैसे हमने लिखा ना द मैनेजमेंट कुड नॉट डिस्क्राइब, तो ये डिस्क्राइब वर्ब हो गई, ठीक है, व्हाई दैट व्हाई द चेयरमैन स्किप्ड द मीटिंग, ये हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। अब ये जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना वो इस डिस्क्राइब वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज ऑब्जेक्ट है तो फिर हम ये दैट क्यों लिख रहे हैं, देखो होता पता है क्या है, ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं ना हमारे, जैसे हु है, हुम है, विच है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, वेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना ये कंजंक्शन भी होते हैं, तो इनके साथ में कोई दूसरा कंजंक्शन मत लिखा करो, दोनों आइडियाज को कनेक्ट करने का यही काम करेंगे, तो ये जो हमने दैट लिख रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है वो डायरेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये वर्ब है और ये सबॉर्डिनेट क्लॉज इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं लिखना पड़ता ना, कंजंक्शन लिखना पड़ता है वर्ब को जोड़ने के लिए, कंजंक्शन और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ये वर्ब है वो इसका ऑब्जेक्ट है तो हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, तो दैट गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी शैल आस्क हिम हाउ ही स्टोल द मनी वेयर ही हिड इट,
इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताएं। एक बच्चा कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द रिसर्च शुड बी पर्टिकुलरली एंटाइनिंग अबाउट क्या। एक मिनट वो तो तब तक ऊपर चला गया। आंसर बताओ। वी शैल आस्क हिम हाउ ही स्टोल द मनी वेयर ही डिड एंड वेयर है। बढ़िया, बहुत अच्छा है आंसर, तुम लोग सही बता रहे हो। यहां देखो ये आस्क वर्ब हो गई, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया हिम। अब आस्क होते हैं डाई ट्रांसिटिव वर्ब, जैसे मैंने लिखा आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे देखो एक हिम ऑब्जेक्ट हो गया और एक ऑब्जेक्ट हो गया हाउ ही स्टोल द मनी, कि उसने पैसा कैसे चुराया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वेयर ही हिड इट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां तो तीन ऑब्जेक्ट हो गए, ये तो अजीब बात हो गई भाई। ज्यादा ज्यादा वर्ब डाई ट्रांसिटिव होती हैं, डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं तो उनके साथ दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक हुम का रिप्लाई जो कि इनडायरेक्ट होते हैं और एक व्हाट का रिप्लाई जो कि डायरेक्ट होते हैं। तो यहां तो तीन ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट तो किसी वर्ब के साथ नहीं आ सकते। तो यहां पे समझना, ये जो हमने हिम लिखा है ना, ये है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का रिप्लाई, और ये जो दोनों हमने लिखे हैं ना, ये है हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का रिप्लाई। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हाउ ही स्टोल द मनी, दूसरा हो गया वेयर ही हिड इट। तो ये कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कंपाउंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है एक बैच एडवांस इंग्लिश के लिए इलीट जितना पॉसिबल नहीं तो कंपटीशन के सिलेबस से थोड़ा एडवांस प्लीज। ऐसे के इलीट लाएंगे बच्चे, चिंता नहीं करो। आजा देखो, जैसे हमने लिखा हाउ यू स्टोल द मनी वेयर यू डिड, तो ये दोनों हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं और ये दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, हमें एंड से जोड़ने पड़ेंगे। तो यहां पे कंजंक्शन लिख दो एंड। ठीक, फिर से समझ लो, यहां पे व्हाई द चेयरमैन स्किप्ड द मीटिंग हमने लिखी थी ना, वो एक सिंगल सबॉर्डिनेट क्लॉज थी और वो इस डोंट डिस्क्राइब वर्ब को ऑब्जेक्ट थी। तो हमने कोई कंजंक्शन नहीं लिखा, क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पे जो दोनों सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, हाउ ही स्टोल द मनी वेयर ही डिड, ये दोनों व्हाट का रिप्लाई है और दोनों ही सबॉर्डिनेट क्लॉजेस जो है वो यहाँ पे इस आस्क वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों व्हाट का रिप्लाई, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एंड से तुमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे एंड की हमें जरूरत है इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए, वहां जरूरत नहीं थी तो हमने दैट नहीं लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अरे ये देखो, इट इज रियली हार्ड टू बिलीव दैट कार वॉज पार्क्ड हियर एंड दैट समवन पुश्ड इट टू दैट प्लेस। देन पहले इस 12th का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आंसर बताओ इसका एक बार। आंसर बताओगे बेटा तभी एक्सप्लेन करूंगा। दैट नहीं होगा सर। देखो अब मैं बताता हूं इसमें कहानी क्या है। यहां पे देखो, इट इज रियली हार्ड टू बिलीव, व्हाट इज हार्ड टू बिलीव, दैट कार वॉज पार्क्ड हियर एंड दैट समवन पोस्ट इट टू दैट प्लेस। अब देखो हम एंड से जोड़ रहे हैं, ये हमने एंड लिखा है सबॉर्डिनेट क्लॉज से पहले, दैट समवन पोस्ट इट टू दैट प्लेस। ठीक है, तो अगर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और ये इस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो दैट कार वॉज पार्क्ड हियर है, ये दूसरी सबॉर्डिनेट क्लॉज है और ये उस वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि अगर हम दो सबॉर्डिनेट क्लॉजेस को एंड से जोड़ेंगे तो हमें, मतलब दो सबॉर्डिनेट क्लॉज हम किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो हमें उन्हें एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों सबॉर्डिनेट क्लॉज है ना, दैट कार वॉज पार्क्ड हियर, दैट समवन पोस्ट इट टू दैट प्लेस, ये दोनों ही सबॉर्डिनेट क्लॉजेस बिलीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को एंड से जोड़ दिया, फिर दोनों सबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। लेकिन अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम इस दैट को सबॉर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन मान लें, तो ये जो कार हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है बिना डिटरमिनर के तो आएगा नहीं भाई। देखो कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक मिनट तुम लोगों कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ कमेंट्स को, क्या हो जाता है ये बार बार। लो ठीक है, अब देख रहे हैं।
यहां देखो, अगर हम इस दैट को ये मान लें कि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज का सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, तो अगर ये सबॉर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये जो कार सिंगुलर नाउन है इसका डिटर्मिनर कहां गया, ठीक है। और अगर हम इस कार का डिटर्मिनर इस दैट को मान लें, तो फिर इस सबॉर्डिनेट क्लॉज के लिए जो हमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शन लिखना था वो कहां गया, तो यहां पे हम क्या करेंगे, दैट के साथ में एक दैट और लिख देंगे, दो दैट हो जाएंगे। अभी देखो दो दैट क्यों हो गए, यहां पे समझ लेना, ये जो दैट लिखा है ना हमने, दैट कार, ये तो है डिटर्मिनर जो कार के लिए यूज किया गया, क्योंकि कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो बिना डिटर्मिनर के आएगा नहीं, तो ये दैट जो है वो कार का डिटर्मिनर हो गया और दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। इस दैट कंजंक्शन की मदद से एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हमारी ये बन गई, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हमारी ये बन गई, ठीक है, और इनको हमने एंड से जोड़ दिया, ठीक है। तो आंसर इसका ये है, द कार भी लिख सकते हैं, आ कार भी लिख सकते हैं, अगर पहले से, या तो कोई डिटर्मिनर लिख दो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दैट लिख ही लो, हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, या तो इस दैट को कंजंक्शन मान लो तो कार के साथ कोई डिटर्मिनर लिख दो, या इस कार का डिटर्मिनर इस दैट को मान लो तो दैट कंजंक्शन अपना अलग से लिख दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड वेलकम्ड हिम विद गुड विशेस, आंसर होता है उसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत मारूंगा, बिगिन विद व्हेन, सुधरोगे नहीं। ओके नहीं है बच्चे, मैं देखो फिर से बता देता हूँ, ये जितने मैं क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसमें नो एरर हो, सब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करो। चलो मैं बता देता हूँ, देखो द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ये जो एंटर्ड द क्लासरूम है ना, ये प्रेडिकेट है, ठीक है, द टीचर सब्जेक्ट है, द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम प्रेडिकेट है। अच्छा, ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप, इसे हम प्रेडिकेट मान नहीं सकते, इसे हम इसलिए नहीं मान सकते प्रेडिकेट क्योंकि इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट अलग से द स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक नई क्लॉज है जिसका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स और स्टूड अप इसका प्रेडिकेट है, ठीक है। फिर हमने एंड से जोड़ रखा है वेलकम्ड विद हिज गुड विशेस, अभी जो वेलकम्ड विद हिम गुड विशेस लिखा है ना, ये हमारा प्रेडिकेट टू है, ये जो वेलकम्ड वर्ब है और ये जो स्टूड वर्ब है, इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है वही इस वर्ब का सब्जेक्ट है और वही इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब स्टूड अप एक प्रेडिकेट है, वेलकम्ड हिम विद गुड विशेस एक प्रेडिकेट है, दोनों प्रेडिकेट का सब्जेक्ट स्टूडेंट है, तो हमने इन दोनों प्रेडिकेट को एंड से जोड़ दिया, तो ये एक पूरी क्लॉज बन गई, ठीक है। अब ये एक क्लॉज बन गई, अच्छा हम देख रहे हैं एक क्लॉज उससे पहले लिखी हुई थी जिसका सब्जेक्ट था टीचर, प्रेडिकेट था एंटर्ड द क्लासरूम, तो इस क्लॉज को और उस क्लॉज को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन यूज करना था, कंजंक्शन तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे कंजंक्शन लिख दो एंड, तो ऑल से पहले एंड लिख दोगे तो सही जाएगा, तो ये ऐसे सही जाएगा, द न्यू टीचर एंटर्ड द क्लासरूम एंड ऑल स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड वेलकम्ड हिम विद गुड विशेस, फिर से देखो एक बार समझ लेना, यहाँ पे मैं समझना, वो बच्चे एक्टिव पैसिव सही है, वो एक्टिव पैसिव चक्कर में पड़ो, हम दो वर्ब को जोड़ सकते हैं, भले दोनों एक्टिव हो भले दोनों पैसिव हो, ठीक है। यहां देखो ये जो एंड हमने यूज किया, ये एंड इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, ये क्लॉज वो एक हो गई और ये दूसरी क्लॉज हो गई, ठीक है। बाद वाला एंड जो है वो बाद वाली क्लॉज के दोनों प्रेडिकेट जोड़ रहा है, एक प्रेडिकेट है स्टूड अप और एक प्रेडिकेट है वेलकम डू विद गुड विशेस, ठीक है। दैट सर एंड के बाद वाला दैट और इट सेम ही प्रोनाउन नाउन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ है, हाँ ऐसा ही है, सही है, क्वेश्चन नंबर 14 15, और भी है क्या, नहीं बस यही दो है, तो चलो आज के हमारे लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, इन पे और विजय प्राप्त कर लें, तो खैर कुल मिला के कम से कम आज का एक्सपीरियंस ये कि हमारी क्लास सही चल रही थी, ठीक है, यही हमें आज चेक करना था, ये क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए जो हमारे लास्ट टाइम से बचे हुए थे, अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, पहले बता देता हूँ, तो जब हम लोग अगली बार सैटरडे को मिलेंगे तो पेपर डिस्कस करेंगे, कोई प्रीवियस ईयर का या तो SSC का या बैंक का,
वो पेपर में पहले तुम लोगों को कल शाम तक करवा दूंगा, पीडीएफ भिजवा दूंगा, ठीक है? न्यू के पहले बिल्कुल बच्चा दा यूज कर सकते हैं। तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो, किस एंगल से देखते हो चीजों को। अगर तुम्हें कोई पता चल गया कि टीचर न्यू है या ओल्ड है, तो इसका मतलब टीचर तुम्हारे लिए डेफिनेट हो गया ना, तभी तो जान पाए कि न्यू है ओल्ड है। तो डेफिनेट कोई भी हो तो उसके साथ में दा लिखा करो, चाहे वो न्यू हो चाहे ओल्ड हो। ये क्या हो गया कि न्यू है तो वो डेफिनेट नहीं होगा? अगर वो न्यू है तो इसका मतलब वो तुम्हें डेफिनेट है, तब जान पाए, तभी तो पता चल पाए कि न्यू है कि ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखो यहां पे। द हंटर शॉट द बर्ड विद ब्राउन बीक विद अ लॉन्ग टेल, ठीक है? अब देखो, द हंटर शॉट एट द बर्ड, द बर्ड हो गया ऑब्जेक्ट शॉट एट वर्ब का, ठीक है? व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, ये बताने के लिए हमने लिखा विद ब्राउन बीक विद अ लॉन्ग टेल। अब देखो, जब हम कोई प्रेपोजिशन लिखते हैं और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो फ्रेज एडजेक्टिव या एडवर्ब बनती है। अगर हम ध्यान से देखें, विद ब्राउन बीक ये एडजेक्टिव है और विद अ लॉन्ग टेल ये भी एडजेक्टिव है, और ये दोनों ही फ्रेज एडजेक्टिव हैं जो कि बर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है कि वो किस तरीके का बर्ड था। एक उसकी मतलब ब्राउन बीक, बीक का मतलब चोंच, उसकी ब्राउन बीक थी, और विद अ लॉन्ग, एक वो देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई आएगा अर्जुन बेटा बरेली बहुत मारूंगा तेरे को मैं, समझा? विद ब्राउन बैक लिख रहा है। अब यहां देखो, ये जो हमने विद ब्राउन बीक लिखा है ना, ये एडजेक्टिव है, विद अ लॉन्ग टेल ये भी एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव बर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? अब ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेज इनकी प्रीपोजिशन कॉमन है। होता क्या है, जब हम प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होती है एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करती है, ठीक है? अगर हम यहां पे देख रहे हैं कि ये दोनों एडजेक्टिव फ्रेज हैं और दोनों की प्रीपोजिशन कॉमन है, तो एक तो ये प्रीपोजिशन विद चाहे तो अपना हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो इन दोनों के बीच में कम से कम एंड जरूर लिखो। एंड इसलिए हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों एडजेक्टिव उस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए दोनों एडजेक्टिव लिख रहे हो, तो इन्हें एंड से कनेक्ट करो। तो इसको ऐसे लिखो, द हंटर शॉट एट द बर्ड विद ब्राउन बीक एंड विद अ लॉन्ग टेल, ठीक है? तो फिर से मैं समझा देता हूं, ये एंड लिखो और उसके बाद इस विद को रिमूव कर दो। विद को इसलिए रिमूव कर दो क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज की प्रीपोजिशन कॉमन है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की अगर प्रीपोजिशन कॉमन हो तो उसको कॉमन कर लिया करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। द हंटर शॉट एट द बर्ड विद ब्राउन बीक एंड विद हिज ऑटोमेटिक गन। समझ में आ गया होगा आंसर, ये तो आसान है। देखो, ये जो हमने लिखा ना विद ब्राउन बीक, ये है एडजेक्टिव फ्रेज जो कि बर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, ठीक है? जैसे हमने लिखा हंटर ने शॉट किया बर्ड को, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड, तो हमने बता दिया विद ब्राउन बीक, तो विद ब्राउन बीक जो है ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? अच्छा, फिर हमने एक और लिखा विद इज ऑटोमेटिक गन। अब जिस तरीके से हमने ऊपर डिस्कस किया उस हिसाब से हमें विद रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज का हमारी प्रीपोजिशन कॉमन है, मान लो हम दो प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख रहे हैं, दोनों फ्रेजेस की प्रीपोजिशन कॉमन है, अगर प्रीपोजिशन कॉमन है तो फिर प्रीपोजिशन कॉमन कर लो, लेकिन कॉमन करना मत, इसलिए नहीं करना क्योंकि एडवर्ब फ्रेज है, ये एडवर्ब फ्रेज है। यहां पे देखो समझना, द हंटर शॉट द बर्ड, विच बर्ड, कौन सा बर्ड, कैसा बर्ड, तो ये बताने के लिए हमने लिख दिया विद अ ब्राउन बीक, जिसकी भूरी चोंच थी या जैसी भी थी, ठीक है? लेकिन ये जो हमने विद हिज ऑटोमेटिक गन लिखा ना, ये हाउ का रिप्लाई है, हाउ डिड यू शूट, कैसे उसने शूट किया। तो विद हिज ऑटोमेटिक गन जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, विद ब्राउन बीक हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ये दोनों फ्रेजेस अलग अलग टाइप की है, ना तो ये दोनों एडजेक्टिव है ना दोनों एडवर्ब है, तो हमें इन्हें एंड से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन्हें रिमूव कर दो क्योंकि एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर जोड़ेगा। सेम रैंक के स्ट्रक्चर का मतलब या तो दोनों एडजेक्टिव हो या दोनों एडवर्ब हो। विद ब्राउन बीक एडजेक्टिव है, विद इज ऑटोमेटिक गन एडवर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब को एंड जोड़ नहीं सकता, तो उस एंड की वहां पे जरूरत नहीं, उसे रिमूव कर दो, ठीक है? ये एडजेक्टिव है, ये डिस्क्राइब करेगा इस नाउन बर्ड को, वो एडवर्ब है, वो डिस्क्राइब करेगा इस वर्ब को, तो वो दोनों अलग अलग वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। एंड जो होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ही जोड़ता है, ठीक है? तो खैर, ये हमारे कंजंक्शन के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एंड दिस सेशन इज ओवर। तो कुल मिला के एक जो आज समस्या समझ में आई वो ये है तुम लोगों की, कि कुछ बच्चों के फोन में, मेरे फोन में भी हालांकि हो रहा है, चैट करते टाइम लिखते टाइम वीडियो पॉज हो जा रहा है, ठीक है? वो हम सही कर लेंगे। नेट ऑलमोस्ट सही है, यहां से क्लास सही चल रही है, लाइव
स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास में भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। अब हम लोग अगली क्लास में सैटरडे को मिलेंगे, एक फुल फ्लेज पेपर डिस्कस करेंगे, जो भी 1.5 घंटे लगेगा उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और हमारे कुछ डाउट होते हैं उन्हें, तब तक वो कमेंट ऊपर चला गया उसका, उन्हें कहाँ भेजें, उन्हें भी डिस्कस किया करो। देखो मैं आप लोगों के ना अच्छे डाउट्स मंगवा लूंगा, मान लो आप लोगों से डाउट मंगवाऊंगा और आपके कुछ डाउट्स ऐसे अच्छे हुए जो कि हमें लगता है कि डिस्कस करने चाहिए, उनसे सीखने का मिलेगा, फायदा होगा बच्चों को, तो हम उन्हें भी अपनी इन क्लासेज में डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। आपसे मंगवा देंगे व्हाट्सएप।